Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 4th. Students, in this video I will start your new chapter, chapter 8, words the future tense in English grammar. Okay, मैं आज आपका English grammar start कर रही हूँ. Okay, and मैं नया वाला chapter यानी 1 to 7 completed. Okay, your 1 to 7 chapter in English grammar already completed. Now I'm going to start your new chapter, chapter 8, verbs, the future tense. Future. Future means, you know very well, fourth में छोटे बच्चों को भी पता था future, यानी भविष्य, भावी. तो हम यहाँ future tense के बारे में, आपका सिर्फ एक ही tense है, future, simple future tense. Okay? The simple future tense, this one. The simple future tense, okay? Simple, simple से ही पता चल जाता है कि simple, okay? We first we learn definition. We use the simple future to show future action. कौन सी action? Future action. Future action मतलब आने वाले भविष्य की जो क्रिया है उसको बताने के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करेंगे. ओके, अब हाँ, सिंपल फ्यूचर टेंस हम पहचानेंगे कैसे? हाउ 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 वी आइडेंटिफाई, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि वो लिखा होता है तो हमें पता चल जाता है कि एक सिंपल फ्यूचर टेंस है. ओके, फ्यूचर टेंस पहले का फ्यूचर टेंस ये विल विल और एक सेल आता है कि सेल का कोई यूज करता नहीं है बच्चों. ओके, सो विल प्लस वर्ब, विल प्लस वर्ब यानी विल लिखना है जैसे विल, फिर वर्ब में स्टार्ट, विल स्टार्ट. आई विल स्टार्ट योर न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो, बोलती हूँ आई विल स्टार्ट योर न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. फ्यूचर टेंस है ना. अब दूसरा एम, एम एम आई के साथ आएगा, ये याद है एम. फिर हिश, ही इज, सी इज, इट इज, दिस, दैट, ये सब के साथ इज आएगा. ओके, फिर या तो किसी का नाम हो जैसे मोहन, राधा, एक नाम हो तो ओके, तो इज आता है. फिर यहाँ यू, वी, दे, दिस, ये वाला दिस प्लूरल वाला. ओके, दोस, फिर जैसे प्लूरल वर्ड्स हो, प्लूरल वर्ड्स मतलब जैसे कि एक बच्चा तुम चाइल्ड बोलते बहुत सारे हो तो चाइल्ड, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, या तो दो नाम हो जैसे मोहन एंड राधा, दोनों का नाम हो तो आ रहा है. ओके, इस तरीके से होता है. ओके, ये आपको याद रखना है फोर्थ वाले बच्चे. ओके, सो फ्यूचर टेंस एकदम इजी है. ओके, उसमें भी सिंपल फ्यूचर टेंस आपके फोर्थ में है तो बहुत इजी. सिर्फ आपको ये याद रखना है प्लस वर्ब, वर्ब में यानी वर्ब में स्टार्ट भी आता है, ऐसा जरूरी नहीं कि स्टार्ट होके विल ओपन या ओपन नहीं तो कट, कुछ भी आप थ्रो, ये सब वर्ब है. ओके, ये वर्ब है, आपको इसका यूज करना है. ओके, हाँ, वर्ब में किसी का नाम नहीं आएगा, कोई कंट्री का नाम नहीं आएगा, कोई इंसान का नाम नहीं आएगा. ओके, तो एकदम इजी है. अगेन आई रिपीट डेफिनेशन. ओके, द सिंपल फ्यूचर टेंस, वी यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस टू शो फ्यूचर एक्शन, टू शो फ्यूचर एक्शन मतलब फ्यूचर में जो क्रिया होने वाली है ना वो बताने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस करेंगे. फ्यूचर टेंस में कैसा होता है, 50% पॉसिबिलिटी होती है. 50% की हम काउंट करें पता, कि कुछ हो जाए तो आपका काम ना भी हो. आप बोलते हो ना कि मैं जैसे आप स्कूल में हो तो मैं एनुअल फंक्शन में हिस्सा लूंगी या लूंगी, लूंगा. ओके, बॉय है तो गर्ल है तो अपने हिसाब से बोलेंगे. ओके, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं एनुअल फंक्शन में हिस्सा लूंगी, 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 अभी लिया नहीं, लूंगी. ओके, लूंगी मतलब फ्यूचर टेंस है. अगर
प्रॉब्लम आ गई तो ना भी ले सके, ओके, यानी उसको 50% पॉसिबिलिटी होती है, ओके, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ना भी हो का फ्यूचर है, फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, अभी 5 मिनट के पहले क्या होने वाला है हमको पता नहीं होता है, ओके, कोई भी फ्यूचर की कोई भी होता है, कुछ भी होता है तो वो बोल के नहीं आता कि मैं आज होने वाला हूँ, वो अपने आप हो जाता है, यानी फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं, ओके, इसलिए हम उसमें श्योरिटी नहीं होती, फ्यूचर टेंस में कैसे होता है श्योरिटी, फ्यूचर टेंस में बोल तो सकते मतलब काम में श्योरिटी नहीं हो सकती, ओके, तो ओके, सो आपके इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 8 वर्ड द फ्यूचर टेंस, नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन टेक्स्ट बुक, ओके, ये वाला चैप्टर है वो टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन करूंगी, ओके, आपको ये डेफिनेशन तो पता चल गई, आपको ये सब लिखना है आपके नोटबुक में, आप ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, ओके, ये वाला नहीं लिखोगे तो चलेगा, ओके, आपको सिर्फ ये याद रखने का सारा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला ही, ओके, ये वाला लिखो चलो, ओके, इतना लिख लेना है आपको बस, एक डेफिनेशन कि उसका फॉर्मूला किस तरीके से हमें करना है फ्यूचर टेंस, उसमें भी सिंपल फ्यूचर टेंस है, हाँ ये वाला याद रखना, ओके, हमको किस तरीके से यूज करना है, ओके, नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक, ओके, वर्ब्स द फ्यूचर टेंस, ओके, वर्ब्स द फ्यूचर टेंस, ओके, ये डेफिनेशन वी यूज द, उसमें भी सिंपल फ्यूचर टेंस देखा ना, द सिंपल फ्यूचर टेंस, we use the simple future tense to show future action, अब इसको इस तरीके से form करना है, देखो formula, इसका formula इस तरीके will plus verb होता है, या तो am is are plus going to लिखना पड़ता है और plus verb लिखना पड़ता है, okay, समझ में आ गया, now example, okay, चलो, Mr. Verma is going to Mumbai, Mr. Verma is going to Mumbai, यहाँ पर भी गोइंग टू है, इज लिया है, गोइंग टू लिया है, पर ये फ्यूचर टेंस नहीं है क्योंकि यहाँ मुंबई किसी सिटी का नाम है, वर्ब आना चाहिए जबकि ये नाउन है, मुंबई सिटी का नाम है इसलिए इसको नाउन काउंट किया गया, ओके, इसलिए यहाँ मुंबई है इसलिए ये फ्यूचर टेंस नहीं है, हाँ ये नीचे वाला सेंटेंस फ्यूचर, यानी मिस्टर वर्मा बॉम्बे जा रहे है, जा रहे है, ओके, ही विल टेक अ टैक्सी टू द एयरपोर्ट, ही विल टेक अ टैक्सी टू द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट तक की टैक्सी लेंगे, करेंगे, ओके, करेंगे, देखो बॉम्बे तो जा रहे हैं, पूरा पैक करके जा ही रहे हैं, अब वो टैक्सी करेंगे, फ्यूचर टेंस है, टैक्सी ना भी करें, ऑटो में भी चले जाएं, ओके, ही विल टेक अ टैक्सी टू द एयरपोर्ट, ओके, चलो द मैन इज सेलिंग फ्रूट्स, द मैन इज सेलिंग फ्रूट्स, मैन जो है ये इंसान फ्रूट सेलिंग कर रहा है, द मैन इज सेलिंग फ्रूट्स, फ्रूट सेल कर रहे हैं, ओके, ये मैन जो है वो फ्रूट सेलिंग कर रहा है, पीपल विल बाय देम, पीपल लोग उनको उसको खरीदेंगे, ओके, फ्रूट्स को खरीदेंगे, मतलब फ्रूट्स है इसलिए देम यूज़ किया गया, ओके, फ्रूट से इसलिए देम क्योंकि फ्रूट बहुत सारे हैं, ओके, सो पीपल विल बाय देम, पीपल उसको खरीदेंगे, ओके, चलो द सर्वेंट हैज कम, द सर्वेंट हैज कम, सर्वेंट आ गई यानी काम वाली बाई आ गई, द सर्वेंट हैज कम, ओके, द सर्वेंट हैज कम आ गई, सी विल क्लीन द हाउस, सी विल क्लीन द हाउस, वो घर को क्लीन करेगी, She will clean the house, okay? She will clean the house, okay? वो घर को क्लीन करेगी. Mr. Rao is in his car. Mr. Rao is in his car. Mr. Rao जो है उनकी कार में है, okay? Mr. Rao कार में है. He will drive to his office. He will drive to his office. वो अपनी ऑफिस तक ड्राइव करेंगे, ओके, ड्राइव करेंगे, द गर्ल इज ऑन द बाइसिकल, द गर्ल इज, द गर्ल इज ऑन द बाइसिकल, ओके, ये लड़की जो है बाइसिकल पर है,
सी विल राइड इट, सी विल राइड इट, वो उसको चलाएगी, ओके okay? यानी बैठी तो अब चलाएगी, तो चलाएगी, उतर भी जाए ना आती हो तो, इसलिए फ्यूचर टेंस विल है. सी विल राइड इट, सी विल राइड इट, सी विल राइड इट, ओके. चलो, देयर इज अ सर्कस इन टाउन, देयर इज अ सर्कस इन टाउन, ओके, देयर इज अ सर्कस इन टाउन, टाउन में एक सर्कस है, टाउन में सर्कस है. रेनू विल गो टू सी इट ऑन संडे, रेनू विल गो टू सी इट ऑन संडे, रेनू विल गो टू सी इट ऑन संडे. क्लियर? चलो, नाउ टर्न योर पेज. चलो, फर्स्ट बी, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ विल प्लस वर्ब. हमें ये सारी फिलिंग द ब्लैंक्स विल प्लस वर्ब से फिल करनी, हमको बता दिया है इसलिए, ओके. फर्स्ट, माई ग्रैंड फादर इज इन हॉस्पिटल, माई ग्रैंड फादर इज इन हॉस्पिटल, ओके. मेरे एक दादा है, एक ग्रैंड फादर है, वो हॉस्पिटल में है. माई ग्रैंड फादर इज इन हॉस्पिटल, ओके. ही विल अंडर गो, ही विल अंडर गो एन ऑपरेशन टूमरो, ही विल अंडर गो एन ऑपरेशन टूमरो, ओके. उनको कल ऑपरेशन में लेंगे, ओके. सेकंड, मंजू इज प्रैक्टिसिंग हर म्यूजिक लेसन, मंजू इज प्रैक्टिसिंग हर म्यूजिक लेसन, ओके. मंजू है, उसका म्यूजिक का लेसन है, वो उसके प्रैक्टिस कर, म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही है, मतलब ही विल परफॉर्म, सी विल परफॉर्म एट द कल्चरल फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ सी विल परफॉर्म एट द कल्चरल फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ कल्चरल फेस्टिवल में परफॉर्म करेगी, करेगी, परफॉर्म करेगी. चलो, थ्री, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ओके, आई एम नॉट फीलिंग वेल. I will take permission and go home. मैं permission ले लूँगा और घर चला जाऊँगा. Okay, I will take permission and go home. मैं, यानी स्कूल की बात हो रही है, ओके, तो मैं permission ले लूँगी या तो ले लूँगा और घर चला जाऊँगा. Four, Mummy is very tired. She will take some rest. मम्मी इज़ वेरी टायर्ड, सी विल टेक सम रेस्ट, ओके, वो थोड़ा रेस्ट ले कर लेगी, ओके, कर लेगी, ना भी करे. फाइव, इट इज़ नीतूज़ बर्थडे, नीतू का बर्थडे. आई विल गिव हर अ कार्ड, ओके, हम उसको उनको कार्ड देंगे, ओके. आई विल गिव हर अ कार्ड, ओके, हम उनको कार्ड देंगे, ओके. चलो, सिक्स, मीना इज प्लेइंग इन द रेन, ओके. मीना जो है वो रेन में खेल रही है, ओके, बारिश में खेल रही है, मतलब, ओके. सी विल कैच अ कोल्ड, उसको ठंडी लग जाएगी, पकड़, कैच मतलब पकड़ना, यानी ठंडी पकड़ लेगी, मतलब ठंडी लग जाएगी, ओके, ऐसा कहने का, ओके. सेवन, आई हैवंट रिटन माई टेस्ट वेल, आई विल वर्क हार्डर नेक्स्ट टाइम, मैं नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी, ओके. एट नंबर, देयर इज़ नथिंग टू इट, कुछ खाने के लिए नहीं. आई विल मेक सम नूडल्स माई सेल्फ, ओके. मैं अपने आप कुछ नूडल्स बना लूँगी, यानी थोड़ा सा नूडल्स बना लूँगी. नाइन, देयर इज़ अ स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन स्कूल. I will participate in all the games, okay. मैं हर एक गेम्स में पार्टिसिपेट होंगी,
हिस्सा लूंगी. ओके. टेन, हरी हैज नो मनी टू पे द फीस. हरी हैज नो मनी टू पे द फीस. हरी के पास फीस पे करने के लिए मनी नहीं है. ओके. हिज फ्रेंड्स विल हेल्प हिम. हिज फ्रेंड्स विल हेल्प हिम. उसका जो फ्रेंड्स है, उसके फ्रेंड्स है, वो उसको हेल्प करेंगे. हिज फ्रेंड्स विल हेल्प हिम. ओके. सी, राइट डाउन योर प्रोमिसेस टू दिस पीपल. ओके. सी नंबर क्या है, राइट डाउन योर प्रोमिसेस टू दिस पीपल. मतलब प्रॉमिस करना, मतलब अभी प्रॉमिस कर रहे हो तो उसको फिर आप जो ऑबे करोगे किसी पेरेंट्स का या ग्रैंडफादर का, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स का. ओके. सो वो फ्यूचर में आएगा कुछ भी. ओके. आप उनकी बात मनवाते हो, आप अपनी बात, उनकी बात मानते हो, तो जो भी वो बोल रहे हो वो करोगे तो वो फ्यूचर में ही करोगे ना. इसलिए यहाँ है कि राइट डाउन योर प्रॉमिसेस. आपने अपने मम्मी पापा दादा दादी जिसको भी प्रॉमिस किए, वो आप कुछ भी काम करना करोगे तो वो फ्यूचर में स्टार्ट करोगे ना. टू योर मदर, टू योर मदर. अब आप मम्मी को प्रॉमिस करते हो तो क्या करोगे. आई विल कीप माई रूम क्लीन. आई विल कीप माई रूम क्लीन. ओके. मैं मेरा रूम क्लीन रखूँगी. आई विल कीप माई रूम क्लीन. ओके. इज दैट क्लियर. ओके. चलो सेकंड, टू योर फादर, टू योर फादर. आई विल वॉक अप अर्ली. फादर को क्या बोले, आई विल वॉक अप अर्ली. मैं जल्दी उठ जाऊंगी या जाऊंगा. ओके. मैं जल्दी उठ जाऊंगी या तो जाऊंगा, यानी लड़का है तो जाऊंगा, मैं जल्दी उठ जाऊंगा, लड़की है तो मैं जल्दी उठ जाऊंगी, ऐसा. ओके. इसलिए मैं दो बोल रहा हूँ. टू योर सिस्टर ब्रदर, टू योर सिस्टर ब्रदर. आपके इस भाई बहन को क्या प्रॉमिस. आई विल नॉट फाइट विथ यू. आई विल नॉट फाइट विथ यू. आई विल नॉट फाइट विथ यू. मतलब मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूँगा, करूँगी. ओके. नहीं करूँगी या नहीं करूँगा. ओके. टू योर टीचर, टू योर टीचर, टू योर टीचर. टीचर सो कहेगा, आई विल डू माई होमवर्क. आई विल डू माई होमवर्क. मैं मेरा होमवर्क करूँगा, करूँगी. आई विल डू माई होमवर्क. मैं मेरा होमवर्क करूँगा, करूँगी. ओके. चलो बेस्ट फ्रेंड को क्या, आई विल हेल्प यू. आई विल हेल्प यू. आई विल हेल्प यू. ओके. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल स्टॉप माई वीडियो हियर. ओके. नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम डी. ओके. यहाँ तक आपको जो हो गए ए बी और सी कंप्लीटेड. ओके. सो यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक. ओके. आपको ए बी सी जो है आपकी नोटबुक में लिखना पड़ेगा. ओके. सेम टू का आपको लिखना ही पड़ेगा. ओके. चलो सो बाय.